नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। कोलारस थाना पुलिस एवं राजस्व विभाग कोलारस की संयुक्त कार्रवाई कर नदी किनारे बसे गांव साफ नोड में करीब 155 ट्रॉली डंप की गई। अवैध रेत को जब्त करने की कार्रवाई की गई, जिसे एसडीएम राघवेंद्र पांडे के निर्देश पर नायब तहसीलदार विजय सिंह परिहार एवं लुकवासा चौकी प्रभारी सोनम रघुवंशी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विभिन्न स्थानों पर डंप की गई रेत में प्रकरण दर्ज करते हुए कार्रवाई को खनिज विभाग को सौंप दिया गया है। खनिज माफियाओं के खिलाफ हो रही लगातार कार्रवाई से एक ओर जहां पर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी ओर सरकारी महकमे में बैठकर इन लोगों को सह देने वाले अधिकारियों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर तरुण राठी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। दर्ज किए गए 6 प्रकरणों में मिला के लगभग 150 ट्रॉली बजरी जो भंडारित थी उसको जो जब्त किया गया है और कोटवार की सुपुर्दगी में दी गई है। आगे के लिए क्या कार्रवाई होगी? आगे की इसके प्रोग्राम बना के एसडीएम महोदय के माध्यम से कलेक्टर महोदय को प्रोग्राम भेजा जाएगा। शिवपुरी से सुलेमान साहू की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में। और भी इसी तरह की खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे।